अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, और तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे अपने अपने घरों में। तो बस यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हम करेंगे नाश्ता, और आज मैं नाश्ते में जस्ट केक खाऊंगी और चाय पीऊंगी, और बस ऐसे ही दिन का आगाज़ चलता है। और मैं नाश्ता कोई हैवी नहीं करती, मैं पराठे वगैरह मुझसे नहीं खाया जाता नाश्ते में, बस मैं ब्रेड केक ये चीज़ें ज़्यादा शौक से खाती हूँ, पापे वगैरह। और यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ ये अम्मी जो मम्मा मतलब दानियल की जो अम्मी है, उनका रूम का एसी हमने इधर ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ड्राइंग रूम में इस तरफ एक एसी था और इस तरफ नहीं था, तो हमने ये उतार के यहाँ एसी लगवा दिया है। और अब ये सेटिंग पर्दे वर्दे उतरे हुए थे क्योंकि वो एसी लगाने आए वाले आए हुए थे, और ये देखें अब पर्दे वर्दे वापस लग गए और सब चीज़ें सेट हो गई हैं। और एक और नई तरक्की, किचन का नलका चेंज हो गया है, और आपको नज़र आ रहा होगा फुल लश पश नया नलका लग गया है, ज़बरदस्त फुल पानी शानी इसके अंदर आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और दानियल के अम्मी का रूम का जो एसी है वो क्यों निकला, तो इसकी वजह ये है, ये हायर, क्योंकि पापा चाह रहे थे कि जो दानियल के अब्बू हैं वही चाह रहे थे कि इन्वर्टर एसी लग जाए उनके रूम में, तो उन्होंने ये चेंज करा कि वो ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ड्राइंग रूम में एक था और यहाँ जो है उन्होंने अपने उसमें हायर के इन्वर्टर लगवा रहे हैं। हमने यहाँ नमाज़ अदा करेंगे, और नमाज़ अदा करके हम, शाम का टाइम था असर का, और उसके बाद हमने मैंगोज़ ख़राब हो रहे थे तो हमने मैंगोज़ जो है वो, नज़र आ रहा होगा आपको, छोटे 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 करके चंक्स और इस तरीके से बना लिए। और अब हाँ, जब किसी को शेक पीना होगा, एक पैकेट डालेगा, दूध डालेगा, चीनी डालेगा और शेक तैयार हो जाएगा। तो आज हम जो है वो शेक बना के, और हमदान को हम आज वो शेक कैसे पिलाएंगे तो ये हम आपको दिखाते हैं। तो हमदान बहुत चोर हैं खाने पीने सब चीज़ों के, तो हमने हमदान के लिए शेक बनाया, और हमने शेक ग्लास के अंदर दो स्ट्रॉ लगाई, ठीक है। और मैंने इनके बाबा को बोला कि आप शेक मतलब थोड़ा सा पीजिएगा और फिर आप मुंह में ऐसे नकली का स्ट्रॉ लगा के रखिएगा और हमदान को पीने दीजिएगा, और हम बोलेंगे यार चैलेंज चैलेंज चैलेंज, कौन पहले पी के दिखाता है। तो इनके बाबा ने मेरे कहने पर पहले एक गिलास पिया, और उसके बाद उन्होंने मुंह में जो है वो एस्ट्रो एस्ट्रो से लगा के रखी, और इन जो हमदान साहब हैं और उनको कहा कि अब तुम पियो, देखते कौन जीतता है। और ये हमदान साहब फुल जो है वो, वरना वो शेक का एक घूंट नहीं पीते, और इस चैलेंज के चक्कर में हमदान साहब माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो फुल शेक पीने में लगे हुए थे, और इस बहाने उन्होंने एक गिलास शेक पी लिया, तो हमारा ही चैलेंज जो है वो कामयाब हो गया। तो अगर आपके बच्चे शेक दूध या जूसेस वगैरह नहीं पीते तो आप उन पे ज़रूर ये ट्रिक आजमाइएगा। तो क्योंकि मेरा बच्चा तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है खाने पीने में तंग करता है, तो उस पे ये ट्रिक जो है वो चल गई है, तो ज़रूर इंशाल्लाह आपके बच्चों पे भी ये ट्रिक चलेगी, तो ज़रूर आजमा के देखिएगा। और ये देखें किस तरह हमदान जीत रहे हैं, इनके बाबा बोल रहे हैं हमदान मेरा पेट भर गया मुझसे नहीं पिया जा रहा, बल्कि इनके बाबा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पी रहे थे और हमदान को ज़्यादा ज़्यादा पीने दे रहे थे। तो और शेक पीने के बाद हमदान के अंदर एक एनर्जी आ गई, और हमदान ने फुल बेड पे जो है वो छलांगे लगाना शुरू कर दी। तो यकीनन आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे कि आप उनको कितना मना करते होंगे बच्चों को कि नहीं छलांगे लगाएं, लेकिन वो एक से एक ऐसी ऐसी छलांगे लगाएंगे कि आप खुद खौफज़दा हो जाएंगे। और हमदान को एकदम हुआ रात के टाइम कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और हम जब पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो पिज़्ज़ा वाले ने मुझे बोला कि मैम हमारी जो है ना गार्लिक ब्रेड ख़त्म हो गई है, तो उसकी जगह हम विंग्स भेज रहे हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है, तो ये विंग आया, आप व्हाट इज़ दिस, तो मैं तो हैरान ही हो गई। मैंने बोला यार ये जहमत करने की ज़रूरत ही क्या थी, आपको ये भी नहीं भेजते। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।